नमस्कार फ्रेंड्स, आम सोनाली दास चैनल रे आपनको स्वागत। आपनकर केही स्पेसिफिक पर्सन बा आपनकर पार्टनर जेतेबेले आपनको मन पकाए बा आपनको मिस करे सेतेबेले आपनको किपरी साइन सब मिलिथाए। केही एपरि मनिष जे आपनको सहित क्लोज अछि से मनिष जदि हार्डली आपनको कथा भाबुछि बा आपनको सहित सेमिति किछि ब्यूटीफुल मोमेंट्स को बहुत मन पकाउछि त सेतेबेले आपनको किपरी साइन मिलिबो आपण किपरि जानि परिबे केही आपनको हार्डली मन पकाउछि बा आपनको विषय रे बहुत किछि भाबुछि एपरि साइन आपनको सेतेबेले मिलिथाए जदि तापटरु से बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन आपनको पई क्रिएट करिथाए बा आपनको पाखको पठाई थाए। आउ मध्य वाइब्रेशन एनर्जी गोटे एपरि जिनिस जहा तार टार्गेट दिगकु फ्लो हुए बा से दिगकु तार रास्ता बनाए। जेतेबेले से मनिषर एनर्जी आपनको पर्यंत आसे आपनको किपरि साइन सब मिलिथाए आमे किपरि जानि परिबा केही मनिष आमको बहुत मन पकाउछि आम विषय रे बहुत किछि भाबुछि आमको बहुत मिस करुछि। आज वीडियो रे पांचोटी इम्पोर्टेंट साइंस डिस्कस करिबा आपनको सहित जदि एथिरु गोटिए हेउछि बा सबुजाक हेउछि त बुझि जांतु केही मनिष आपनको बहुत मन पकाउछि बा आपनको स्पेसिफिक पर्सन आपनको बहुत मिस करुछि। पॉइंट नंबर 1, आपन निज काम रे बिजी रहंती कहा कथा भावुनांती कि कहा को मिस करंती किंतु से मनिष बारंबार आपनको ड्रीम रे आसुछि आपन ताकु स्वप्न रे देखुछंती जे से आपनको सहित रहिछि आपनको सहित समय बिताउछि आपनको सहित खुशी मजाक करुछि ओ सबु काम रे आपनको सहित अटैच रहुछि। ए साइन केतेबेले आसे ना जेतेबेले से पर्सन आपनको विषय रे हार्डली भाबिथाए ए एनर्जी सेतेबेले आसीथाए जेतेबेले सामनावाला पटरु आपनको पाखकु पावरफुल वाइब्रेशन पठा जाए। जदि आपण कॉन्शियसली से साइन को बुझी पारंती बा फील करि पारंती तो सबकॉन्शियसली से मेसेज आपण को पाखरे पहुंचि जाए। पॉइंट नंबर 2, आपण घरे बसी छंती किछे काम रे व्यस्त अछंती बा कहा सहित कथाबार्ता रे बिजी अछंती सेतेबेले आपण कहा कथा भाबु नांती कि आपणकर स्पेसिफिक पर्सन कथा आपणकर मने नाही किंतु हठात तांको सहित जड़ित थिबा किछि ब्यूटीफुल मेमोरी आपनकर मने पड़ी जाए। से मोमेंट्स मने पड़ीबा परे आपनको फेस रे स्माइल चली आसे से कथा भाबी आपन बहुत खुशी रे हसी दियंती जे हाँ मु कौन भाबुथिले आउ मोर कौन सब मने पड़ीगला एपरी भाबी आपन हसी दियंती आपनको बुझिबाक पड़िबो से समय रे किंबा तार किछि समय पूर्वरु से पर्सन आपनको विषय रे बहुत स्ट्रांग मेमोरी क्रिएट करिथाए से एनर्जी एते पावरफुल जे संगे संगे आपनको पाखकु चली आसे आउ तार ख्याल सडनली आपनको माइंड रे बा आपनको हृदय रे बसी जाए। पॉइंट नंबर 3, केते जनक सहित भी एपरि होई थाए आपन किछि करूछंती तांको कथा आपनको मन रे भी नाही हठात आपनको कान रे एक प्रकार वाइब्रेशन फील हुए ओ कान सामान्य गरम लागे जहा किछि सेकंड पई रही थाए ठीक सेति बेले हठात आपनकर तांको कथा मन पड़ी जाए व्यस्त लागे किंतु आपन तांको कथा आगरु भाबि नथांती आपन को इंस्टेंटली जना पड़ी जाए जे हाँ केही ना केही पर्सन मते मने पकाउछि एहा एते स्ट्रांग फीलिंग जे आपन को जना पड़ी जीवो केही ना केही मो विषय रे बहुत किछि भाबुछि बा मते बहुत मिस करुछि। पॉइंट नंबर 4, आउ गोटे इंपोर्टेंट साइन हेउछि आपन केही स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करुछंती तांको कथा बहुत भाबिछंती ओ तांको बहुत मिस करिछंती किंतु किछि समय परे आपन से कथा को भूली जाइछंती से विषय रे आपन आउ ध्यान दे नांती कि तांको कथा आपनकर आउ मने नाही निज काम रे व्यस्त अछंती ऑफिस चली जाइछंती बा आउ किछि काम रे बिजी रहिछंती बट सडनली आपनको नजर पड़िला किछि पोस्टर किछि कागज पत्र न्यूज पेपर टीवी शो बा अन्य किछि माध्यम रे आपनको स्पेसिफिक पर्सन रो नाम बारंबार आपनको नजर को आसुछि बा आपनको देखाई दिया जाउछि। जदि एपरि घटना आपनको सहित बारंबार घटुछि बा आपनको बारंबार देखा जाउछि त आपनको पार्टनर बा आपनको स्पेसिफिक पर्सन रो वाइब्रेशन एनर्जी आपनको पर्यंत पहुचुछि जेतेबेले से एनर्जी आपनको पर्यंत पहुचि जाए से मनिषर नाम आपनको सामना रे बारंबार देखा जाए आपन किंतु से मनिष को देखि पारंतिनि से मनिष कोन भाबुछि बुझि पारंतिनि निज काम रे व्यस्त थांति किंतु से मनिषर एनर्जी एपरि जे से आपनको सामना को बारंबार आसे ओ आपनको बारंबार मने पकाई दिए जे से पर्सन आपनको विषय रे बहुत किछि भाबुछि आपन जेते बेले एपरि देखंती आपनको फेस रे ऑटोमेटिकली स्माइल आसी जाए
ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି ପର୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଫିଲିଂ ବାଲି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି ପଠାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ ହଁ, ସେ ପର୍ସନ୍ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ଆମ ନଖ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, କିମ୍ବା କିଛି କାମ କରୁଛେ ହଠାତ୍ ଆମ ହାତ କଟିଯାଏ, କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସେପରି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟୁଛି ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତାର ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ କଥା ବା ପଜିଟିଭ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ତା ଦିମାଗରୁ ସେହିପରି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାରିଥାଏ ଓ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ବା ସୁପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ମଣିଷର ଦିମାଗରୁ ଏପରି ଏନର୍ଜି ସେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି କି କାହା ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ପରି କିଛି କରନ୍ତୁନି।